そこに光って通してこう、ここには人差し指ここに人差し指、ああここはこれ、そう、まっすぐ。अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में। आपका भाई शाहिद आपकी तुम्हें हाजिर है गोल्फ क्लब से। ये आज हम खेलेंगे गोल्फ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस का एक है, नेट क्लब है, तो यहाँ पे आया हूँ। तो अभी स्टिक्स वगैरह इनसे ली हैं, ट्राई करता हूँ कैसे यहाँ पे खेलेंगे। ये मेरे सामने ये मशीनें लगी हुई हैं, उनके नंबर्स लिखे हुए हैं, और लोग अपनी अपनी जो भी स्टिक्स वगैरह लेके आए हुए हैं सारे, तो यहाँ से भी मिल जाती हैं ऑन रेंट पे। और आप कार्ड लेते हैं यहाँ से इनसे, जैसे ये मैंने लिया है, ये वाला, ये 1000 येन का है, और इससे 125 बॉल आएंगी, ठीक है, और मैं 125 शॉट लगा सकूँगा। तो जब मैं स्टार्ट कर दूँगा एक दफ़ा, तो फिर वो कंटिन्यूसली आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। तो लेट स्टार्ट, मैं पहली दफ़ा खेलूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसका कोई आइडिया नहीं है ना, तो देखता हूँ कैसा रहेगा। ये दो स्टिक्स हैं मैंने इनसे ली हैं रेंट पे, एक ये वाली स्टिक है, ठीक है, और दूसरी है जनाब ये वाली। तो फर्स्ट ट्राई करते हैं हम छोटी वाली से, स्लो में खेल के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं बड़ी वाली से कैसे प्ले करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल वन फर्स्ट। कार्ड को डालते हैं जी मशीन में, यहाँ पर कार्ड गया है अंदर, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ से हम हाई कंट्रोल कर सकते हैं, जो टी है ऊपर नीचे करने के लिए होता है, वो देखें, वो बॉल आ गई अभी। ये देखें सामने कितनी अच्छी शॉट्स खेलते हैं यार ये। ये बंदा पूरी शॉट, ये बड़ी स्टिक जो होती है ना मोटी वाली आगे से, इससे लॉन्ग शॉट खेली जाती है। ये देखें मेरी बॉल सीधी जाती है, कुछ जो होती है आगे जाके राइट को टर्न हो जाती है। मैंने अभी तक जो मैक्सिमम है ना 150 मीटर्स की शॉट खेल ली है, वैसे अच्छी अच्छी रेंज है फर्स्ट टाइम है। तो जो मैक्सिमम वो पहाड़ के ऊपर सामने है वो 250 मीटर तक का है, और मैंने 150 मीटर की शॉट खेली है अभी तक ना, उससे नीचे थोड़ी गई है, पहाड़ में लगी है, लेकिन वो 150 से 200 के दरमियान है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ होगी ना। बड़ा ज़ोर लगता है और बहुत मज़ा भी आता है शॉट लगाने का गोल्फ बॉल का यार, ज़बरदस्त। लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है, क्योंकि ये 125 बॉलें हैं और अभी 47 हुई हैं। तो ये देखें साथ में क्या प्यारी शॉट खेलता है यार ये बंदा, इनसे सीखना पड़ेगा। तो हम भी
एक्सपोर्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी ब्रेक करता हूँ, जूस वगैरह पीता हूँ, एनर्जी लेके फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने ये कॉफ़ी की मशीनें लगाई हुई हैं, आप कॉफ़ी निकालें पिएं, इधर साथ में जूस की मशीन वगैरह भी हैं। तो मेरा तो अभी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं अभी आज कुछ वार्म कॉफ़ी वगैरह ही पीता हूँ लेके ना। ये हम इसमें 120 सीएन डालते हैं मशीन में, ठीक है, ये डाल दिए पैसे इसमें, 120 सामने लिख के आ रहा है। और अब ये ऑप्शंस ग्रीन हो गई हैं, तो इसमें क्रीमी कैफे लाटे है वो निकालते हैं, 120 की है। ये हमने प्रेस कर दिया है, तो ये कह रहा है आइस लेनी है या हॉट लेनी है, हमने हॉट लेनी है, हॉट प्रेस करेंगे। शुगर कह रहा है डालनी है क्या, रेगुलर साइज है, कुछ नहीं करना इसमें अभी, इसको आने दो, ऑर्डर करना है हमने बस। ये शुगर का भी लिखा हुआ है ना उन्होंने कि नॉर्मल करनी है, ज़्यादा करनी है, कितनी करनी है ना, ये देखें आप उसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये इधर इस साइड पे सामने कॉफ़ी बन रही है आपके, ये मशीन के अंदर इधर से, ये देखें टाइम चल रहा है नीचे, इतने सेकंड के बाद आपकी कॉफ़ी बन के बाहर आ जाएगी खुद ब खुद। ये देखें कॉफ़ी हमारी बन के ये आ गई है, हम अभी इसको यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखें ये हमारी कॉफ़ी आ गई है जी, कॉफ़ी हमने निकाल ली है, दो सिप लगाते हैं कॉफ़ी के, वार्म हो के तो दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी गेम। ये वाला एरिया जो है ये मेरा है, ठीक है, इसके अंदर कोई और बंदा इंटर नहीं होगा ना। ये चेयर लगी हुई है इधर मेरी कॉफ़ी रखने की जगह, अपना वॉलेट वगैरह मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, सर अपनी स्टिक्स वगैरह, अपना स्टिक बैग जो होता है इनका इस तरह का, वो यहाँ पे रख सकता हूँ, अपनी बिलोंगिंग जितनी भी, अगर मेरे शूज़ होंगे एक्स्ट्रा, नेक्स्ट टाइम आया करेंगे हम अपनी पूरी किट के साथ आया करेंगे ना, तो सारा कुछ यहाँ से ले गए करके तो यहाँ इंजॉय करेंगे। सब ने अपनी अपनी किट लगाई हुई है ना, तो इंशाल्लाह अभी ये प्रैक्टिस के लिए सीखने के लिए इधर आ रहे हैं, फिर ओरिजिनल जो गोल्फ कोर्स होते हैं वहाँ पर भी जाया करेंगे।
して打った後は当然が楽園ありがとうございますありがとうございますそうですね、ゆっくり指で。こんばんは。आपके भाई ने 250 मीटर की भी शॉट मारी है, जबरदस्त मजा आ गया। और ये कपल जो इस साइड पे खेल रहा है ना, इसने मेरी बहुत हेल्प किया है। उस बंदे ने, उसको मैंने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, तो उसने आके मुझे सिखाया है कैसे शॉट मारनी है। उसके जो तरीका है ना, बताने के बाद मेरी शॉट बहुत दूर जाने लगी है और सही सीमत में जाने लगी। बहुत शुक्रिया इसका जी। जनाब हमारी शॉट्स पूरी हो गई हैं, कार्ड भी बाहर आ गया वापस। हम ये स्टिक्स और कार्ड जाके रिसेप्शन पे देंगे और बाहर चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। तो जनाब हम गोल्फ कोर्स से आ गए हैं बाहर। गोल्फ कोर्स नहीं था ये, एक गोल्फ क्लब था ट्रेनिंग के लिए। तो ये मेरे पीछे है, सामने इस तरह से ये बिल्डिंग है। बहुत मज़ा आया, बिल्कुल पसीनों पसीनी वाला हिसाब था मेरा उधर। पूरी एनर्जी लगती है यार गोल्फ शॉट खेलने के लिए, सेम ऐसे जैसे क्रिकेट में होता है ना। तो अगर आप एक ही मशीन पे एक से ज़्यादा दोस्त भी खेलना चाहें, जो भी ये वीडियो देखेगा, और अगर आप जाएं किसी भी गोल्फ क्लब में इधर जापान में, तो आप एक मशीन को यूज़ करते हुए दो या तीन दोस्त मिलके भी खेल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको हर एक बंदे का अलग से मेंबर कार्ड लेना पड़ेगा। आप एक ही मेंबर कार्ड लेके अंदर चले जाएं। अगर आप लोगों ने एक मशीन पे बारी बारी खेलना है तो आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा आज का गोल्फ का व्लॉग। तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आपने इंजॉय की होंगी मेरी शॉर्ट्स। तो नेक्स्ट टाइम मैं मिलता हूँ अनकरीब आपको किसी और अच्छे से ब्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो मुझे दें इजाज़त, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।